मंडलीय कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग वाराणसी के माध्यम से रविवार को माघ मेला के परेड ग्राउंड पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत कुमार ने उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने खादी व ग्रामोद्योग सेक्टर की योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के समाधान का आश्वासन दिया। लोगों से अपील भी किया कि प्रदर्शनी में भाग लेकर शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का क्रय करें, जिससे इस विधा से जुड़े लोगों को रोजगार मिल सके और वे आत्मनिर्भर बने। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में कुल 104 स्टॉल लगे हैं, जिसमें शुद्ध उत्पाद सामग्री मिलेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माघ मेला राजीव नारायण मिश्र ने प्रदर्शनी के सफल आयोजन में अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। मंडलीय कार्यालय वाराणसी के निदेशक रितेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदर्शनी में कई राज्यों के लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। इस प्रदर्शनी में मिनी इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शनी 20 जनवरी से लगी है और 29 जनवरी तक रहेगी। यही कहना है कि इसका आप आनंद लीजिए, बहुत अच्छा मौसम है और इसका प्रचार प्रसार करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के इसको देख सके, जानकारी ले सके और एक डिस्काउंट सेल है उसका फायदा उठा सके। धन्यवाद। प्रकट किया है और आप सभी लोगों से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग प्रदर्शनी में पधारें और खादी वस्त्रों के और खादी उत्पादों की को क्रय करें, ताकि आपके पैसे का एक एक पैसा, आपके खरीद का पैसा हमारे कृत्रिम बुनकरों तक पहुँचे, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और देश की भागीदारी में, देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।